मित्रों, आपने त्रेता युग में हनुमान जी की भक्ति और महानता की कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि पवन पुत्र हनुमान सतयुग में कौन थे? अगर नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो मित्रों, ये बात है सतयुग की। जब ऋषि वेदव्यास जी ने कुरुवंश के राजा परीक्षित से कहा, राजन होनी होके रहती है और इसे कोई बदल नहीं सकता, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। एक समय संसार से जल तत्व गायब हो गया, दुनिया में हर जगह त्राही त्राही मच गई और जीवन का अंत होने लगा। तब परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान श्रीहरि नारायण, ऋषिगण और देवता मिलकर सभी देवों के देव महादेव के पास गए। भगवान के पास पहुंचकर वो शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथों के नाथ आदिनाथ, अब इस समस्या से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। पृथ्वी पर ये जल तत्व वापस कैसे आएगा, कृपया इसका समाधान करें। अब सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने 11 रुद्रों को बुलाकर पूछा कि आप में से क्या कोई ऐसा है जो दुनिया को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके। 11 में से 10 रुद्रों ने तो ये काम करने से मना कर दिया, लेकिन 11वां रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा कि मेरे करतल में जल तत्व का पूरा निवास है, मैं दुनिया को पुनः जल तत्व प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा और शरीर गलने के बाद इस संसार से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तब महादेव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा कि इस रुद्र रूपी देह के गलने के बाद तुम्हें एक नया देह और नाम मिलेगा और मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए शरीर में निवास करूंगा, जिसका जन्म संसार के कल्याण के लिए होगा। अब इसके बाद हर नाम के रुद्र ने अपने शरीर को गलाकर दुनिया को जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से एक महाबली वानर का जन्म हुआ, जिसे हम और आप हनुमान जी के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये घटना सतयुग के चौथे चरण में हुई थी और महादेव ने ही पवन पुत्र हनुमान को राम नाम का रसायन प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने राम नाम का जप शुरू किया और त्रेता युग में अप्सरा अंजना और वानरराज केसरी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। अब चलिए मित्रों, इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती। अब मित्रों, उत्तराखंड के चमोली में स्थित दूनागिरी गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ कभी त्रेता युग में हनुमान जी मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के उपचार के लिए संजीवनी बूटी लेने आए थे। अब त्रेता युग में बजरंगबली जिन जिन स्थानों पर गए वो सभी आज एक पावन तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस स्थान पर आने के बावजूद यहाँ के लोग भगवान राम के भक्त पवन पुत्र की पूजा नहीं करते। मित्रों, इस गांव में ना तो मारुति नंदन की पूजा के लिए कोई मंदिर है और ना ही इस गांव में आपको हनुमान जी का कोई भी भक्त मिलेगा। मान्यता है कि जब त्रेता युग में युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी रावण पुत्र इंद्रजीत के बाण से मूर्छित हो गए थे, तब लक्ष्मण जी के उपचार के लिए वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी खोजने को कहा, जिसके बाद पवन पुत्र संजीवनी बूटी को खोजते हुए हिमालय पहाड़ के इसी स्थान पर आए थे। उस समय इसी गांव की एक स्त्री ने उन्हें संजीवनी बूटी से जुड़े उस पर्वत का वो हिस्सा दिखाया जहां वो बड़ी मात्रा में उगती थी। परंतु इसके बावजूद भी जब पवन पुत्र को यहां संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई तो वो पूरा का पूरा पर्वत उखाड़ कर ही अपने साथ ले गए और तब से ही यहां के लोग बजरंग बली से नाराज हैं और उनकी कभी पूजा नहीं करते। मित्रों, यही वजह है कि आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा को गलत माना जाता है। अब आइए जाते जाते ये भी समझ लेते हैं कि हनुमान जी को आखिर सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाते हैं। अब मित्रों, पूजा के समय सिंदूर के चोले का इस्तेमाल बहुत से देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये हनुमान जी को अर्पण क्यों किया जाता है, आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रभु राम, लक्ष्मण जी और माता सीता सभी साथ साथ अयोध्या वापस लौट आए तो एक दिन हनुमान जी माता जानकी के कक्ष में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि देवी जानकी लाल रंग की कोई चीज अपनी मांग में सजा रही है। ये देखकर उन्होंने माता सीता से पूछा, माता ये क्या है जो आप अपनी मांग में सजा रही है। हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता ने कहा कि ये सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है और इसे मांग में सजाने से मुझे अपने स्वामी का स्नेह प्राप्त होगा और उनकी आयु भी लंबी होगी। इतना सुनते ही बजरंगबली जी ने भी अपने पूरे शरीर को सिंदूर के लाल रंग से रंग लिया। सिंदूर लगाने के बाद हनुमान जी फिर भगवान राम की सभा में चले गए। फिर जब रामचंद्र ने हनुमान जी से इस बारे में पूछा तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद अयोध्या नंदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने पवन पुत्र को अपने गले से लगा लिया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि हनुमान जी अपने पिछले जन्म में कौन थे। तो अगर आपको यह दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।